गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी हुई है हमारी, थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन हो चुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। खिड़की का बुरा सा व्यू दिखा रही हूँ मैं, और सुबह के 11 बज चुके हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो पानी होता है। पानी का एक गिलास पूरे दिन भर की थकन को दूर कर देता है। आप लोग भी पानी पिया करें, नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन नीम गर्म। अगर कोई मोटा है तो वो सुबह सुबह नीम गर्म मतलब गर्म पानी पिया करें। कुछ पार्सल हैं जो कि आज खोलने वाले हैं, दराज और डिफरेंट जगहों से जो है ना मुझे आए हुए हैं, मैंने मंगवाए थे। उसके बाद अपनी ड्रॉ भी सेट करनी है, बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका हुआ है काम। पूरा अपना रूम इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो सारा कुछ हमने सेट करना है। और चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले पार्सल खोलते हैं क्योंकि इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारा दराज का पार्सल है, मैंने ओपन सारे कर लिए थे क्योंकि बार बार देर हो जाती है ओपन करना। तो ये प्यारा सा मेरा मग है जो कि मैंने क्यूट सा लुक बेबी मग गई है मैंने मंगवाया दूध वगैरह पीने के लिए, मज़ेदार लगता है, बहुत आला चीज़ है ये, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग खोलेंगे दूसरा वाला पार्सल, इसमें भी एक मग है जो कि विंटर सीज़न के लिहाज से मुझे बड़ा प्यारा लगा था। हैप्पी एवरीडे मैंने देखा था, मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा। और इसकी ये कैप भी साथ ही है, बिल्कुल एक विंटर का फैक्ट देता है। इसमें आप कॉफ़ी वगैरह पिए तो आपको सर्दियों में मज़ा आ जाए। दूसरी चीज़ भी बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है, आप लोग भी बाय कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये मैंने कितने का लिया और कैसा लिया। बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़बरदस्त है। कॉफ़ी पी के आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें, मैं थोड़ा सा जलाऊंगी मैं आप लोगों को कॉफ़ी पी के। और नेक्स्ट हमारा पार्सल जो है वो एक मैंने बहुत ही क्यूट सा स्ट्रॉलर मंगवाया है, वो भी देखते हैं कौन सा है कैसा है। तो इसको ओपन करने जा रही हूँ मैं। तीनों पार्सल मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के आए हैं, एक दिन में इकट्ठे नहीं मुझे मिले। दरअसल ओपन करने का टाइम नहीं मुझे मिल सका, वीडियो बनानी थी इस वजह से, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए थे। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और ट्राई करेंगे हम सर्दियों में। एक्चुअली ये सर्दियों के लिहाज से तो थोड़ा लाइट है लेकिन बहुत अच्छा इसका जो है ना प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही सॉफ्ट सा और मुलायम सा इसका प्रिंट है। चलें अब हम देखते हैं आज हमने क्या करना है। कुछ शॉपिंग करनी थी तो सोचा कि लाहौर की अनारकली का चक्कर लगाया जाए, और हम लोग पहुंच गए हैं अनारकली। दरअसल ऑटो ने हमें बहुत दूर उतार दिया था तो पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप भी मेरे साथ शॉपिंग करें थोड़ी सी, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि आजकल क्या न्यू ट्रेंड में आया हुआ है। तो बहुत भाग भाग के वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। हम लोग ना एंटर हो चुके हैं अनारकली में, ये अनारकली का स्टार्ट है जहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं, बाहर बॉयज़ के जो है ना शर्ट्स वगैरह होती हैं। ये मैं नीला गुंबद वाली साइड से नहीं आई हूँ बल्कि मैं माल रोड वाली साइड से एंटर हुई हूँ, और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या न्यू आया हुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी इनकी नेल पॉलिशेस हैं जो कि मैं अक्सर लेके जाती हूँ, तो आज भी मैंने सोचा कि मैं इनकी नेल पॉलिश ज़रूर लेके जाऊंगी। ये लोग ना खुद भी बनाते हैं, अगर आप लोग इनको कलर बताएंगे ना तो वैसे ही सेम आपको कलर बना के नेल पेंट का बना के दे देंगे। इसके अलावा ये हम ज्वेलरी की लाइन में आए हैं, और यहाँ की ज्वेलरी बहुत मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरीज होती हैं। मुझे कुछ बैंगल्स वगैरह चाहिए थे, कुछ और ट्रेंडी सा मैंने देखना था, तो मैं हर दफ़ा ज्वेलरी के लिए अनारकली ही आती हूँ। और
यहाँ पे बैठ के हम लोग दही भले ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शॉपिंग तो साथ साथ चल रही थी तो भूख लग रही थी, सोचा क्यों ना दही भले ट्राई किए जाएं। ओ ट्राई नहीं, मतलब हर दफ़ा हम खाते हैं तो ज़रूर खाए जाएं। ये एक जूस की कॉर्नर की शॉप है जहाँ से दही भले बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं मज़ीद आगे। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ कि पालियाँ वगैरह देखने के लिए। तो मुझे, मैं मोस्टली जो है ना, जिन शॉप्स पे एक दफ़ा चली जाऊँ और उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं हमेशा वहाँ पे विज़िट करके ज़रूर ट्राई करती हूँ कि क्या नया आया हुआ है। आप लोगों ने अगर ज्वेलरी की शॉपिंग करनी हो तो अनारकली बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे हर तरह की न्यू ज्वेलरीज मौजूद होती हैं, नए नए सेट्स मौजूद होते हैं, शादी के लिहाज से भी, और लाइट वेटेड भी होते हैं, गोल्ड प्लेटेड भी होते हैं, और डिफरेंट सिंपल्स भी होते हैं। आप जिस तरह की भी आपको ज्वेलरी चाहिए वो सारी मौजूद है यहाँ पे। ये भी शॉप है एक जो कि अंदर वहीं वाली साइड पे है जहाँ पे ज्वेलरीज हैं। आप किसी से भी पूछेंगे ज्वेलरी की गलियाँ कहाँ पे हैं, वो आपको वहाँ पे दिखा देंगे, और वहाँ पे सारी ज्वेलरी मौजूद है, सारी हर तरह की ज्वेलरी शॉप्स वगैरह मौजूद हैं। इनके छोटे छोटे टॉप्स बड़े मज़े के होते हैं, और इन लोगों की एक बेस्ट क्वालिटी ये है कि ना, ये ख़राब नहीं होते। अगर आप कहेंगे ना ये ब्लैक हो जाएंगे, ये ब्लैक नहीं होते। अच्छा तो हमने शॉपिंग कर ली है, अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। मैं स्टॉप पे वेट कर रही हूँ बस का, मेरे पास कार्ड मौजूद है तो सोचा आज बस में जाया जाए। ऑटो का किराया तो बहुत दफ़ा दे दिया है तो आज बस में जाया जाए, थक बहुत गए हैं। थोड़ी सी एसी की हवा ले लेंगे, थोड़ी सी एक खुला माहौल हो जाएगा, और जो थोड़े से पैसे रह गए हैं उसमें हम बस का सफ़र इजीली कर सकते हैं। मेट्रो बस, स्पीडो बस तो आप लोग जानते ही होंगे, जस्ट 20 रुपीज़ में आप लोग जा सकते हैं। और ये हमारी बस आ चुकी